हे फूडीज, वेलकम टू माय चैनल किरण्स क्विजिन किचन। आज मैं बना रही हूँ कोकोनट कुकीज़। टेस्ट में लाजवाब और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो चलते हैं किचन में और जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो एक बोल में मैं ले रही हूँ 1/4 कप बटर प्लस 1/2 टेबल स्पून, और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है 6 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। आप नॉर्मल शुगर को पीस के न डालें। और उसके बाद आपको इसको इस तरफ फेंटना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाए। मैंने यहाँ पे अमूल का बटर, सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। आप अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ी देर बाद इसका जो कलर है वो भी लाइट हो गया और काफ़ी फ्लफ़ी हो गया। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप मैदा, 3/4 कप कोकोनट का बूरा, जिसे आप डेसिकेटेड कोकोनट भी कह सकते हैं, और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एट द एंड आपको अपना हाथ यूज़ करना ही है, तो वो मैंने भी कर लिया। और इसको बहुत ही हल्के हाथ से आपको इकट्ठा करना है, मथना नहीं है, मसलना बिल्कुल भी नहीं है इसमें आपको। और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके अब दूध डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून दूध यूज़ किया है। अगर आप घी या फिर अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं, तब आपको 1/8 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालना है। तो बस इसको इस तरह इकट्ठा कर ले, और ये इस तरह का डो होना चाहिए। ये काफ़ी सॉफ्ट है अभी, तो इसको मैं ढक कर फ्रिज में रखने वाली हूँ 1/2 आवर के लिए। आफ्टर 1/2 आवर तो आप जो है डो को बाहर निकाल ले फ्रिज में से, और देखिए थोड़ा सा ये टाइट हो गया है। तो बस अब इसकी छोटे छोटे हम कुकीज़ बना लेंगे। बहुत बड़ी आप कुकीज़ न बनाएं, और इस तरह इसको एक राउंड शेप दे दे, और फिर उसको हम कोट करेंगे। ये ड्राई कोकोनट का जो बूरा है, इसमें इस तरह आप कोट कर ले और सब कुकीज़ इस तरह तैयार कर ले। तो जो सारी कुकीज़ है वो बनके रेडी है। नीचे मैंने बटर पेपर लगाया है, वो लगाना ज़रूरी है। आप यहाँ पे एल्युमिनियम की प्लेट या फिर स्टील की प्लेट यूज़ कर सकते हैं, और सब कुकीज़ के बीच में आपको गैप रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे मैंने जो है वो ओवन रेडी कर लिया है। 15 मिनट पहले मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। नीचे आपको इस तरह का स्टैंड लगाना है, और बहुत ही देखिए सावधानी से प्लेट रखिएगा, नहीं तो ये क्या होगा कि हाथ चिपक जाएगा आपका। और इसे वापस ढक के हमें इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में से कुक करना है। एक बार ढक देने के बाद आप इसको बार बार खोल के ना देखें, एटलीस्ट इसको 10 मिनट कुक होने दें, उसके बाद ही आप खोलें। गैस का फ्लेम भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो आफ्टर 25 मिनट्स हमारी जो कुकीज़ है वो बन के रेडी है। तो 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको पहले बेक किया था नीचे की साइड से। तो आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो कितना अच्छा आया है, सारी की सारी ब्राउन है, कोई भी हमारी जली नहीं है। फिर 20 मिनट्स के बाद मैंने इसको पलट लिया और 5 मिनट के लिए इस तरफ बेक किया है। इस तरफ बेक इसलिए किया क्योंकि जब हम ओवन में बेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हीट जो है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड से मिलती है, तो ऊपर की साइड से सुनहरा कलर आ जाता है। बट क्योंकि हम कढ़ाई में बेक करते हैं, इसीलिए 5 मिनट मैंने इस तरह इसको पलट के बेक किया है। तो यहाँ पे हमारी जो कुकीज़ है वो बनके रेडी है। बहुत ही सुंदर लग रही है, देखने में लग भी नहीं रहा है कि हमने इसे घर पे बनाई है, और बहुत ही टेस्टी बनती है। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि 25 मिनट से ज़्यादा इसको बेक नहीं करें, नहीं तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। और सारे जो मेज़रमेंट्स हैं उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैप्पी कुकिंग।